सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ निशा खन्ना। जैसे कि कोरोना महामारी के चलते हर रोज हम आपको अपडेट दे रहे हैं, वहीं आज हमारे स्टूडियो में आयु ज्योति आयुर्वेदिक कॉलेज जोधपुरिया से डॉक्टर प्रोफेसर मनोज तिवारी जी जुड़े हैं। आज हम उनसे जानेंगे, सबसे पहले तो आयुर्वेदिक का पूरा महत्व क्या है, आयुर्वेदिक है क्या, तो चलिए आज उनसे जानते हैं किस तरह से विस्तार में बताते हैं, तो जुड़ते हैं आज उनसे। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों की ओर से हम आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब तक मैंने हर जगह इंटरव्यू किया, लेकिन मेरा आज आपसे पहला और अहम सवाल है कि आप विस्तार से बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है आयुर्वेदिक का। आयुर्वेदिक पहले आज के टाइम के हिसाब से हम इसे बैचलर डिग्री BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी इस नाम से जानते हैं। पहले इसे GAMS बोलते थे, ग्रेजुएट इन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी, और इसमें अब मास्टर डिग्री भी होती है जो MD इन आयुर्वेदा बोली जाती है, और ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में होती हैं। जैसे मेरी MD इन आयुर्वेदा रस शास्त्र में है, जो मेडिसिन बनाने में और उसके पूरा स्टैंडर्डाइजेशन में इसमें स्पेशलाइजेशन है हमारी। जी सर, जैसे कि कोरोना हमारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, इसके लिए दवाइयाँ, एक तरह से दवाइयाँ भी आ रही है, लेकिन हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं कि लोगों की प्रतिरोधक क्षमता है जो कम है, किस तरह की भी है, तो उससे बचने के लिए आयुर्वेदिक के हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या इसका उपाय है कि लोग घर पर ही रहकर कर सकें। जैसे कि आपको पता है COVID-19 अभी रिसेंटली इस बीमारी से सबसे ज़्यादा जो सिम्टम्स आते हैं वो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई परेशानियों, जैसे सांस लेने में तकलीफ है या सर्दी जुकाम खांसी, इस तरह के लक्षण हैं। और COVID-19 में स्पेशली ये होता है कि जो कोरोना वायरस है वो हमारे म्यूकस को थिक कर देता है, जिससे कि हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसमें मोर्टिलिटी यानी डेथ का कारण भी यही है। और आयुर्वेद में अगर बात करें हम इसके लिए, वैसे तो रिसर्च चल रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, हर लेवल्स पे चल रहे हैं, परंतु आयुर्वेद में एक चीज़ है जो हम इम्यूनिटी बूस्टर की बात करते हैं, आयुर्वेद में सबसे अच्छा माना जाता है। अगर हमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो बहुत सारी परेशानियां हमारे को होंगी नहीं, जैसे ये वायरसेस से होने वाली बीमारियां हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा की बात करें या हम सर्दी जुकाम की बात करें आम भाषा में, तो इसमें हमारी इम्यूनिटी हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और इस COVID-19 में भी हमें यही सबसे बड़ा हथियार मिला है। अगर हम इम्यूनिटी को अपने डेवलप कर लें तो हम इस बीमारी से बहुत हद तक लड़ सकते हैं, और किसी क्रॉनिक बीमारी के ना होने पर इससे बहुत आसानी से जीता जा सकता है। इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में हम गिलोय को ले सकते हैं, और तुलसी है हमारे पास, नीम है, काली मिर्च, सौंठ, इससे बना हुआ काढ़ा है जो आपको लेना चाहिए रूटीन में भी। ये हमारे घर की होम रेमेडीज़ हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इम्यूनिटी के लिए, और क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, इसकी कोई वैक्सीन तुरंत मार्केट में मिलेगी तो हमें इससे फ़ायदा मिलेगा। सर जैसे कि आप आयुर्वेदिक के डॉक्टर हो, लेकिन कोरोना महामारी के चलते जो सैनिटाइज है इसका कुछ ज़्यादा ही उपयोग किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर से अगर देखा जाए कि बाद में इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा, एक तरफ इस्तेमाल इतना हो रहा है, इस्तेमाल होने के बाद लोग, कुछ लोगों में डर है कि ये साइड इफेक्ट देगा, इसके चलते लोग उपयोग भी नहीं कर रहे, तो इस पर आपकी क्या राय है। जहाँ तक सैनिटाइज़र की बात है, सैनिटाइज़र एक तरह के अल्कोहलिक प्रिपरेशन से बनाया गया है, इसमें 99% अल्कोहल या रेक्टिफाइड स्पिरिट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो यही है कि सेंसिटिविटी हो सकती है, किसी की आँखों की जो स्क्लेरा होती है, वाइट पार्ट आ रहा, इससे इरिटेशन हो सकती है, स्किन में इरिटेशन हो सकती है, कुछ लोगों को जनरल इरिटेशंस होती हैं जो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को भी शो करती हैं, कुछ लोगों को आँखों में दिक्कत होती है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोक्लोराइड नाम से आजकल सोल्यूशन बना के जो छिड़काव किया जा रहा है उससे हमारे जो हमारे जीभ की ग्लैंड्स हैं उसके ऊपर भी इफेक्ट आता है, प्लस हमारी आँखों में इरिटेशन, स्किन में इरिटेशन होने के चांसेस हैं। जैसे ही ये ओवर हो जाएगा उसके बाद की जो स्थितियाँ बताई जा रही हैं, अगर हम इसके एडिक्ट हो गए तो उससे हमारे को हमारी बॉडी में होने वाले चेंजेस, जो कि माइटोटिक एक वर्ड आता है हमारे, जो स्किन की डिवीजन्स हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उससे भी परेशानियाँ हो सकती हैं, मोल्स हो सकते हैं, या इससे भी फर्दर कंडीशंस जो है वर्स हो सकती है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में आजकल बात की जा रही है। पर इसे कम मात्रा में इस्तेमाल करेंगे
तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसमें सबसे पहले यही कि एक डिस्टेंस बना के रखें ताकि ईयर टू ईयर जो बोन इन्फेक्शन है वो ना हो, प्लस अगर ईयर के अंदर कहीं भी कंटेमिनेशन है इस वायरस का वो हमारे से हम उससे बच सकें, यही है। सर एक और सवाल आपसे अहम है कि देसी दवाइयाँ ले जा रही है डॉक्टर के क्लिनिक के से, यहाँ दवाइयाँ ले जा रही है, फिर भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये बीमारी से बचने के लिए या फिर ऐसी कोई टैबलेट ना लो या कुछ भी ना लो, लेकिन आयुर्वेदिक की दवाइयाँ भी लोग ले रहे हैं, लेकिन मनुष्य खुद को स्वस्थ रखने के लिए इससे आयुर्वेदिक में कुछ अलग से कुछ चीज़ है क्या जिससे खुद को स्वस्थ रख सके, इंसान फिट रह सके? आयुर्वेद के अगर अनुसार चले तो आयुर्वेद का पहला लक्ष्य ही यही है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें सबसे पहले, और आतुरस्य विकार प्रशमन चले, मतलब उसके बाद रोगों का इलाज के लिए कहा गया है। जैसे कि पहली लाइन है कि हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपकी डाइट है, जो आहार विहार हमारे कहा जाता है, उसको संतुलित रखें, मौसम के अनुसार रखें और आपके बॉडी के अनुसार रखें। बहुत ज़्यादा घी तेल अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका इतना ही आउटकम, फिजिकल मूवमेंट्स होनी चाहिए आपके, इतने ही अनुलोम विलोम प्राणायाम ये योगा जो बताते हैं इसका भी ऐड होना चाहिए हमारी लाइफस्टाइल में, प्लस जो स्ट्रेसफुल आज की जो कंडीशन है उसको फ्री करने के लिए एक सामाजिक जो माहौल है वो बहुत ज़रूरी है। पहले माँ बाप के साथ बैठ के जो हम बातचीत करते थे, प्लस यारों दोस्तों से मिलते थे, इस तरह से हम थोड़ा सा मेंटल बर्डन को कम कर सकते हैं, प्लस कुछ इम्यूनिटी बूस्टर जो मेडिसिन है उसको रूटीन में, जैसे तुलसी है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम है इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं जिसका इस्तेमाल करना चाहिए, और जितने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली चीज़ें हैं उससे उसको अवॉइड करें तो आप काफ़ी हद तक चीज़ों से बच सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सर एक जैसे कि ज़्यादातर अब लॉकडाउन के चलते लोगों के पेट में ज़्यादा तकलीफ आ रही है कि पेट के उबाल के पानी पी रहे हैं, लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा कोई इलाज कि घर पर ही जैसे घरेलू नुस्खे किए जाए, जैसे कि अजवाइन, पुराने बुजुर्ग लोग अजवाइन की फाँकी या चाय पत्ती की फाँकी ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लेकिन आयुर्वेदिक के हिसाब से कुछ अब नई चीज़ ऐड हुई हो तो वो ज़रा आप दर्शकों को बता दीजिए। जी आज के हिसाब से अगर बात करें तो पुराना ही सब कुछ वही आ रहा है घूम के, जी सिर्फ और सिर्फ हमें उसको किस तरह से लेना है। अगर आपने देखा होगा चाय पत्ती आती है वो तुलसी युक्त अश्वगंधा युक्त, इस तरह से सारा सारा रिसाइकल होके हमारी जो होम रेमेडीज जो ग्रंथों में लिखी हुई है सेम टू सेम आज भी वही है, हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। चाय के अंदर अगर आप, गर्मी का मौसम है तो मैं ये कहूँगा सिर्फ और सिर्फ हल्का सा अर्जुन की छाल या दालचीनी डालिए, अगर सर्दी का मौसम है उसके अनुसार सौंठ है, पिपली है, काली मिर्च है, इसका इस्तेमाल करिए ताकि आपको जो सर्दी में होने वाली बीमारियां हैं वो ना हो। और इम्यूनिटी बूस्टर के हिसाब से अब गर्मी चल रही है तो उसमें सड़न पानी आता है जिसमें शीतल द्रव्य होते हैं सारे के सारे, जिसमें सफ़ेद चंदन इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं बहुत सारे, पेत पापड़ा हो गया, रेवन चीनी हो गई, इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो इस गर्मी के मौसम में आप अपनी इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तिवारी से मिलवाया, उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक के ये उपाय हैं, आप हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घर पे रहिए और ये उपाय करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसी तरह हम आपको अगली अपडेट में भी किसी नए चेहरे से रूबरू करवाएंगे, इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।